Lesson 1. Reggie Mouse's Shrinking Clothes with Hindi Explanation. Let us read the story of Reggie Mouse, who only ate cheese and never played outside. Reggie Mouse loved cheese. He ate it for breakfast, lunch, and dinner. Reggie's mother, Rita Mouse, was worried. Reggie, it's fine to eat cheese, but you should eat other foods like fruits, vegetables, cereals, and fish. You should also play outside more often. Reggie didn't listen to her. No way, Mom. I love cheese. I won't eat anything else. It's too hot to play outside. Instead, I will watch TV. A few months later, Reggie Mouse was getting dressed when all the buttons on his shirt went pop, pop, pop. Reggie was very surprised. Oh no! My shirt has shrunk! And then his trousers went rip, rip, rip. Oh no! My trousers have shrunk too! Reggie Mouse ran to his cupboard and tried on all of his clothes. Pop, pop, pop went all the buttons of his shirts. Rip, rip, rip went all his trousers. Oh no! All my clothes have shrunk. What's happening? Rita Mouse heard her son crying. She ran into his bedroom. Reggie, why are you crying? And why are your clothes on the floor? Oh, Mom, it's awful. All my clothes have shrunk. Know what we can do to unshrink them. Reggie, you need to start eating healthy food like fruits, vegetables, cereals, fish, and chicken. You also need to go out and play with your friends more often. That afternoon, Reggie played football with his friends. He had soup, carrots, spinach, and grapes for dinner. And very soon, Reggie's clothes unshrank. अब आइए देखते हैं हिंदी एक्सप्लेनेशन रेजी माउस के सिकुड़ते हुए कपड़े श्रिंकिंग मतलब सिकुड़ना आइए हम एक कहानी पढ़ते हैं रेजी चूहे की जो हमेशा चीज़ खाना पसंद करता था और कभी भी बाहर खेलने नहीं जाता था रेजी चूहे को चीज़ बहुत पसंद थे वो इन्हें सुबह ब्रेकफास्ट में खाता दोपहर लंच में खाता और रात को डिनर में खाता रेजी की मम्मी रीटा माउस बहुत परेशान थी वह रेजी से कहती रेजी चीज खाना तो अच्छी बात है लेकिन तुम्हें दूसरी चीजें भी खानी चाहिए जैसे फल सब्जी अनाज और मछली और तुम्हें ज्यादातर बाहर खेलना चाहिए रेजी रेजी ने अपनी मम्मी की बिल्कुल नहीं सुनी उसने कहा नहीं मम्मी मुझे चीज पसंद है मैं और कुछ नहीं खाऊंगा और बाहर तो इतनी गर्मी है मैं बिल्कुल नहीं खेल पाऊंगा बाहर उसके बदले मैं टीवी देख लूंगा कुछ महीनों बाद जब रेजी चूहा तैयार होने गया तब उसकी शर्ट के बटन टूटने लगे पॉप 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 रेजी बहुत आश्चर्य हो गया अरे मेरी शर्ट तो छोटी हो गई सिकुड़ गई और फिर उसके पैंट फटने लगे रिप 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 अरे मेरी पैंट भी छोटी हो गई सिकुड़ गई रेजी चूहा भागकर अलमारी की तरफ गया उसने सारे कपड़े पहनकर देखे पॉप 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 उसकी शर्ट के सारे बटन्स टूट गए रिप 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 उसके सारे पैंट्स भी फट गए अरे मेरे सारे कपड़े सिकुड़ गए ये क्या हो रहा है
रीटा माउस ने जब अपने बेटे के रोने की आवाज सुनी, वह भागकर बेडरूम में आई। रेजी, तुम क्यों रो रहे हो? तुम्हारे कपड़े इस तरह जमीन पे क्यों हैं? अरे मम्मी, ये बहुत दुख की बात है, मेरे सारे कपड़े सिकुड़ गए। मम्मी ने कहा, मुझे पता है हम कैसे ठीक कर सकते हैं कपड़ों को रेजी। तुम पौष्टिक खाना खाना शुरू करो, जैसे फल, सब्जियाँ, अनाज, मच्छी और चिकन। तुम्हें बाहर जाकर अपने दोस्तों के साथ खेलना भी होगा। उस दोपहर को रेजी फुटबॉल लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ खेला। उसने सूप लिया, गाजर, पालक और अंगूर भी खाए डिनर में, और बहुत जल्दी रेजी के कपड़े वापस से ठीक हो गए। Sorry, it's DJ.